कमलानगर स्थित राष्ट्रीय राजपूत महासभा द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय राजपूत महासभा युवा के अध्यक्ष विकास ठाकुर का कोशी प्रवास के दौरान स्वागत किया गया। नगर के राजपूत युवाओं ने साफी पहनाकर व माला दुपट्टा आदि डालकर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस दौरान विकास ठाकुर ने बताया कि समाज में व्याप्त नशाखोरी, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी कृतियों को दूर करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। समाज के युवाओं को साथ लेकर जागरूक करने का काम शुरू किया है। उन्होंने बताया कि समाज में व्याप्त कृतियों से आज हमारा समाज पिछड़ा और निराशा महसूस कर रहा है, जिसको रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। आज हम कोशी कला कमला नगर में अपने युवा समाज से भी और क्षत्रिय समाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले मेरे भाई मनीष द्वारा स्वागत समारोह का आयोजन रखा गया है। इस मौके पर मेरे साथ चेयरमैन साहब श्री आनंद सिंह तोमर जी, आदरणीय मेरे गुरु जी ठाकुर राजकुमार गौड़ साहब एडवोकेट, और समस्त नौजवानों ने आज यहाँ पर स्वागत किया हमारी कार्यकारिणी के सदस्यों का सभी का। तो मैं सबसे पहले तो समस्त नौजवान भाइयों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और आशा व्यक्त करूँगा कि जो आज हमने श्री महाराणा प्रताप राजपूत सेवा समिति के बैनर तले जो समाज में जागरूकता अभियान चलाया है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, क्योंकि जो हमारा समाज है इतनी तादाद होने के बाद भी आज हमारा समाज काफ़ी पीछे है। तो मैं अपने नौजवान भाइयों को साथ लेकर बुजुर्गों के आशीर्वाद से गांव-गांव जाकर हर समाज में अपने समाज को अलग से एक पहचान देने के लिए कार्य करूंगा और जागरूकता अभियान चलाऊंगा। जैसे कि समाज में जो कुछ ऐसी कुर्तियां हमारे समाज को खोखला करती जा रही हैं, उन कुर्तियों पर प्रतिबंध और रोक लगाने को लेकर हम समाज के नौजवानों को साथ लेकर जागरूकता अभियान चलाएंगे। किस प्रकार की कुर्तियों के प्रति आप जागरूक करने का कार्य? कुर्तियाँ जैसे कि हमारे नौजवानों में खासकर जो नशे की लत लग रही है वो हमारे समाज को धीरे धीरे कमज़ोर कर रही है, और दहेज प्रथा की जो रीति है उससे भी हमारे समाज में बहुत ज़्यादा समाज को नीचा देखना पड़ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और समाज में संस्कारिक और शिक्षित समाज को जागरूक करने के लिए हम नौजवान भाइयों को समस्त अपनी टीम के साथ काम करते हुए गांव-गांव जाकर नौजवान भाइयों को जागरूक करेंगे और शिक्षित एवं संस्कारिक समाज आगे बने, इसके लिए कार्य करेंगे। जैसा कि आपने बताया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई के लिए आप क्या पहल कर रहे हैं? मैं अपने सबसे पहले तो मैं एक बात चाहूँगा कि जितने भी नौजवान हैं वो अगर मन में ठान लें तो सब कार्य बिल्कुल सही प्रकार से हो जाएंगे। जैसे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान है जो, वो हमारे लिए बहुत ही गौरवनीय बात है। इस पर अगर हम गौर करें तो बेटी के बगैर हमारी सृष्टि नहीं चली है, बेटी का होना ही बहुत ज़रूरी है। इसलिए बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ अभियान ये भी बहुत बड़ा महत्व है। इस पर भी हमारी संस्था के जितने नौजवान पदाधिकारी हैं, समस्त पदाधिकारियों के साथ मैं गांव-गांव जाकर अपने नौजवान भाइयों को कड़ी से कड़ी जोड़कर समाज सुधार के लिए कार्य करूँगा और समाज में जागरूकता के लिए काम करूँगा। रोजगार की समस्या को लेकर क्या पहल है? जैसा कि आपको मालूम है आज के समय में हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश या अन्य राज्य, मैं तो सभी नौजवान भाइयों के लिए एक संदेश देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आज बेरोजगारी का आलम है, उस बेरोजगारी के आलम में हम सभी नौजवान भाइयों को प्रण करना चाहिए कि एक तो शिक्षा पर गौर करना चाहिए। शिक्षा पर गौर करते हुए जितने भी नौजवान भाई हैं, अगर हम शिक्षित होंगे जब भी हम कहीं किसी पद के लिए प्रयासरत होंगे, जब भी किसी पद के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। तो नौकरी अगर चपरासी की हो या बाबू की हो, नौकरी तो नौकरी है, लेकिन नौकरी के लिए योग्यता बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें शिक्षा पर गौर करते हुए अपने नौजवान भाइयों से मैं निवेदन करूँगा कि शिक्षित समाज को जागरूक करें और शिक्षित समाज बनाएं, और आने वाले टाइम में मैं जैसा भी मुझ पर ताकत रहेगी, आपकी दी हुई, जनता की दी हुई या भगवान की दी हुई आशीर्वाद से, मैं पहली बात तो मैं अभी भी प्रयासरत हूँ नौजवानों को, जितनी मेरी परिश्रम मैं करता हूँ नौजवानों के लिए अभी भी मैं कोशिश करता हूँ। हर महीने 2 या 3 बच्चे मैं लगाता हूँ, वो प्राइवेट सेक्टर्स हो या सरकारी हो, मेरी पहल ये होगी मैं नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दिलाऊँ।